तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांजेक्शन स्टेट और ट्रांजेक्शन शेड्यूल। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर ट्रांजेक्शन किस तरीके से होता है और उसके अंदर जो एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी, वो सारी चीज़ें तो वो हमने पढ़ा था भाई। किसके बीच में वो सारा ट्रांजेक्शन एक्चुअली पोर्टल होता है, ठीक है, मतलब डिवाइड होता है वो, तो वो चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी। अब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उन लोगों ने एल्गोरिथम्स बना दिए हैं, ठीक है, ताकि इसके बीच में ही, मतलब एल्गोरिथम के बीच में ही कोई भी एरर आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। मतलब उन लोगों ने ऐसे एल्गोरिथम बनाए जिन लोग जिसकी मदद से क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन बीच में रुक गया है तो वो ऑटोमेटिकली अबॉर्ट हो जाएगा, मतलब वापस वो जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अल्गोरिदम बनाए ताकि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन वो सक्सेसफुली हो, और बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे तो उसको किस तरीके से करना, तो उसके लिए शेड्यूलिंग होता है, ठीक है। तो पहले उसकी जो अल्गोरिदम से वो हम देख लेते हैं, उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक हमारा है कि ट्रांजेक्शन शेड्यूल, अगर बहुत सारे ट्रांजेक्शन इसके अंदर आए तो उसको वो किस तरीके से शेड्यूल करता है, ठीक है, जो भी अल्गोरिदम बनाई उसके लिए। तो हम पहले हमारे जो ट्रांजेक्शन स्टेट है उसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से उसको एक्सेस यूज किया जाता है। तो पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि ट्रांजेक्शन स्टेट जो जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है, वो क्या हो गया कि उसकी अल्गोरिदम इस तरीके, एक्टिव स्टेट के अंदर अगर किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन आए तो उसकी पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट हो जाएगी। उसके बाद अगर उसके नेट सही चल रहा होगा, ठीक है, या फिर कोई भी उसका फोन सही चल रहा होगा या फिर लैपटॉप है तो सब कुछ सही चल रहा होगा, तो क्या हो जाएगा कि उसकी जो ट्रांजेक्शन वो पार्शियली कमिटेड होगी, मतलब आधी होगी। मतलब उसके साथ क्या करना है, जबकि आप ये एक ट्रांजेक्शन आती है उसके अंदर मुझे क्या करना होता है, दो स्टेट होती है। पहले तो मुझे उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा वो रीड करना होता है, ठीक है। रीड करने के बाद मुझे अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसमें से माइनस होगा, ठीक है, और जो भी माइनस हो रहा है वापस उसके अंदर ट्रांजेक्शन के अंदर एड हो जाएगा, मतलब राइट होगा वापस, मतलब रीड, डिडक्शन एंड राइट। तो ये कमिट हुआ, पार्शियली कमिट, मतलब आधा कमिट हुआ। फिर उसके बाद आता है कि सामने वाले जहाँ पे आपको भेजना है ट्रांजेक्शन, तो वहाँ पे कमिट होगा, मतलब ट्रांजेक्शन उसके अंदर पहले रीड करेगा, ऐड करेगा और वापस राइट करेगा। तो इतनी दोनों प्रोसेस एक साथ हो गई, ठीक है। तो जब भी ये पूरी प्रोसेस खत्म होगी तभी वो कमिटेड होगा, और कमिटेड होने के बाद ही उसका ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। अगर वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई एरर आई, मतलब आपका ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो गया है, मतलब नेट नहीं है, या फिर आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे पहुँची नहीं है सर्वर तक पहुँची है, तो आपका सिर्फ डेटा रीड ही हुआ है, ठीक है, मतलब आपके ऐसे डिडक्ट हो गया पर उसमें ऐड नहीं हुआ, ठीक है, डेस्टिनेशन के अंदर, तो क्या होगा कि उस ट्रांजेक्शन को फेल्ड कर देगा। फेल्ड करने के बाद क्या कर देगा, उसको वो अबोर्ट कर देगा। अबोर्ट मतलब वो पूरा पूरी तरीके से जैसा था वैसा ही कर देगा। फेल का मतलब क्या होगा कि आप जब भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके में से डिडक्ट हो गया है पर वहां पे ऐड नहीं हुआ, तो क्या करेगा कि ये आधा ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो कहाँ पे डाल देगा, उसको अबोर्टेड के अंदर। अबोर्टेड में क्या होता है कि जो भी आप में से दे पैसे कटे हैं, ठीक है, वो वापस आपके अकाउंट के अंदर डाल देगा, मतलब वो अबोर्ट हो जाएगा और वो पूरी ट्रांजेक्शन यहाँ पे एंड हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी, तीसरा स्टेट यहाँ पे कौन सा है, तो एक्टिव हुआ है, आप में से डिडक्शन हो गया है, पार्शियली कमिटेड, या फिर उसके अंदर ऐड भी हुआ है पर किसी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, या फिर आप में से कटा है, ठीक है, और उसमें ऐड नहीं हुआ, तो कहाँ पे चला जाएगा, वापस फेल्ड के अंदर जाए, मतलब ये प्रोसेस जो हमने यहाँ पे बताई है, ठीक है, ये भी हो रही है और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर भी आ सकता है। फिर यहाँ पे आने के बाद अगर आधा ट्रांजेक्शन हुआ है तो वापस अबोर्ट करेगा, मतलब जैसा था वैसा, जैसे ट्रांजेक्शन पहले था वैसे ही कर देगा और वापस वो उस ट्रांजेक्शन को एंड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी ट्रांजेक्शन स्टेट चलती है, मतलब पहले स्टार्ट होगा उसके बाद ये सारे पोर्शन यहाँ से इंक्लूड होते हैं। मगर सही से हो रहा है तो कमिटेड हो गया, अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई तो अबॉर्ट करके एंड कर देगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, ठीक है। तो पहले हम बिगिन की तरफ जाते हैं कि एक्टिव, तो पहले हम एक्टिव स्टेट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव स्टेट इज अ फर्स्ट स्टेट फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। मतलब जितने भी आपको ट्रांजेक्शन आपके मोबाइल के अंदर या फिर कितने भी ट्रांजेक्शन है सर्वर के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, तो सारे के सारे पहले कहाँ पे आएंगे कि एक्टिव स्टेट के अंदर आएंगे। उसके बाद इन दिस स्टेट द ट्रांजेक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, मतलब जो भी आपका ट्रांजेक्शन है वो रीड करना, एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंसर्शन, मतलब डेटा को रीड करना है, उसमें डिडक्ट करना है, ठीक
ठीक है, उसमें से डिलीट कर देना है। तो ये क्या हो गया कि इंसर्शन डिलीशन अपडेट एंड रिकॉर्ड आर डन हियर, जो भी आपके साथ इन ट्रांजेक्शन है वो जो भी चीज़ हो रही है वो सारी एक्टिव स्टेट के अंदर होगी, बट ऑल रिकॉर्ड आर स्टिल नॉट सेव्ड थ्रू द डेटा, मतलब डेटाबेस के अंदर अभी कभी डेटा सेव नहीं हुआ। जब भी हम वो ट्रांजेक्शन में आपको बता रहा था ना, वहाँ पे क्या होता है, एक बफर होता है, आपके अकाउंट में से जो भी अमाउंट उसको मिलती है वो बफर के अंदर स्टोर करता है, वो सारी प्रोसेस वहीं पर ही होती है एक्टिव स्टेट के अंदर। ठीक है, मतलब वो डेटाबेस के अंदर परमानेंटली स्टोर नहीं हुआ, सिर्फ उठा लिया, रीड हुआ है। ठीक है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपके अकाउंट में से जो भी अमाउंट है उसको रीड कर रहा है बस, परमानेंटली सेव नहीं किया एक्टिव स्टेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद पार्शियली कमिटेड और कमिटेड। तो इन दिस पार्शियली कमिटेड स्टेट द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट इट्स फाइनल ऑपरेशन। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, जो कि आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर आपका अमाउंट उसने रीड किया है, डिडक्ट किया है और वापस राइट किया है, वो कहाँ पे हो रही है, सारी प्रोसेस आपकी बफर के अंदर हो रही है, बट डेटा स्टिल नॉट सेव इन डेटाबेस। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सारा डेटा आपका बफर के अंदर हो रहा है, डेटाबेस के अंदर उसने कुछ भी सेव वापस नहीं किया। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में 4000 है तो बफर के अंदर में से अगर आप 500 डिडक्ट कर रहे हो तो आपके बफर में 3500 रहेगा और आपके डेटाबेस में 400 अभी भी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी चेंजेस मैंने नहीं किया। इन द टोटल मार्क कैलकुलेशन एग्जाम्पल द फाइनल डिस्प्ले ऑफ द टोटल मार्क स्टेप इज एग्जीक्यूटेड इन दिस स्टेट, मतलब जो भी आपका डिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और राइट हो रहा है, वो सारा कहाँ पे होगा, आपके बफर के अंदर, मतलब वो पार्शियली कमिटेड के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि कमिटेड, कमिटेड के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, अ ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी इन कमिटेड स्टेट इफ एग्जीक्यूट ऑल इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुली, मतलब उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए कि आपने आप में से रीड किया, डिडक्ट किया और वापस राइट किया, उसके बाद क्या जाता है कि आपने जिसको भेजा है उसके अंदर रीड किया, ऐड किया और वापस राइट किया, तो ये पूरी एक ट्रांजेक्शन होगी। जब तक ये पूरी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक वो कमिट नहीं होता। ठीक है, इन दिस स्टेट ऑल द इफेक्ट आर नाउ परमानेंटली सेव ऑन द डेटाबेस। ठीक है, जब ये पार्शियली पूरा का पूरा सिस्टम मैंने आपको जैसे अभी बताया, वो पूरा सिस्टम मतलब पूरा ट्रांजेक्शन खत्म होगा, उसके बाद ही जो लास्ट अमाउंट आपके बफर में पड़ी है, ठीक है, सोर्स के बफर में और डेस्टिनेशन के बफर में, तो वो सारा कहाँ पे स्टोर कर देगा कि डेस्टिनेशन के डेटाबेस में और सोर्स के डेटाबेस में, और फाइनल अमाउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, मतलब कमिटेड के अंदर जो भी आपका पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन हुआ है बफर में हो रहा है, तो बफर में से आपके डेटाबेस के अंदर परमानेंटली चेंज कर देगा। ठीक है, कमिटेड का मतलब। उसके बाद आ जाता है कि फेल स्टेट। तो फेल स्टेट के अंदर क्या होता है, तो कभी इफ एनी ऑफ द चेक मेड बाय द डेटाबेस रिकवरी सिस्टम फेल। ठीक है, अब किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन है वो डेटाबेस में से रिकवरी, मतलब उस वहां से जब भी डेटा वो चेक कर रहा है, मतलब उसके अंदर जो भी बफर है उसके अंदर से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हमें आ रही है रीड करने में, ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी अ फेल स्टेट, मतलब वो फेल स्टेट के अंदर चला जाएगा। जैसे ही फेल स्टेट के अंदर जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इन द एग्जाम्पल ऑफ टोटल मार्क कैलकुलेशन इफ द डेटाबेस इज नॉट एबल टू फायर अ क्वेरी टू फेच अ मार्क्स, मतलब जिसके अंदर जो भी बफर के अंदर जो भी चेंजेस हुआ है, ठीक है, या नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा क्या कि डेटा जब भी डेटाबेस में से फेच करेगा तब वो एक मार्क करके रखता है, ठीक है, पॉइंट करके रखता है, अभी ये चीज मेरे पास, ये ट्रांजेक्शन मेरे पास नहीं आया, ठीक है, एल्गोरिदम के हिसाब से, तो वे क्या कर देगा कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन थी उसे उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करेगा, फेल स्टेट के अंदर कट कर देगा। उसके बाद आ जाता है कि अबॉर्टेड, अबॉर्टेड के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है आपकी, इफ एनी ऑफ द चेक फेल एंड द ट्रांजेक्शन हैज रीच्ड अ फेल्ड स्टेट देन द डेटाबेस रिकवरी सिस्टम विल मेक श्योर दैट द डेटाबेस इज इन इट्स प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट, मतलब आपके पुराने आपके डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा रीड हुआ है, ठीक है, वापस उसने राइट भी कर दिया, पर राइट करने के बाद आपकी सिस्टम आपका ट्रांजेक्शन फेल स्टेट के अंदर चला गया, तो वो क्या करेगा, जो भी डेटाबेस के अंदर आपका पुराना डेटा था वैसे का वैसा ही वो कंसिस्टेंस रखने वाला है, मतलब उसके अंदर जो भी डेटा है वो चेंज नहीं करेगा अगर फेल स्टेट में होगा तो। ठीक है, अब इफ इफ नॉट मतलब फेल नहीं हुआ, मतलब फेल
नहीं हुआ तो क्या होगा, देन इट विल बी अबॉर्ट और रोल बैक द ट्रांजेक्शन टू ब्रिंग ब्रिंग द डेटाबेस इन टू कंसिस्टेंट। मतलब जब भी आपका, जबकि आप कभी भी फेल स्टेट के अंदर आपका ट्रांजेक्शन चला जाता है, तो क्या करेगा कि पूरी जो भी पुराना डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ था उसे रोल बैक जैसा था वैसा करेगा, ठीक है, और पुराना डेटाबेस के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी थी वो एज इट इज कंसिस्टेंस रखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इफ ट्रांजेक्शन फेल इन द मिडल ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब बीच में ही आपका ट्रांजेक्शन रुक गया, देन बिफोर एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन, तब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले ऑल द एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन आर रोल्ड बैक, मतलब जैसा पुराना था वैसा ही वो रख देगा, ठीक है। आफ्टर अबॉर्टिंग द ट्रांजेक्शन डेटाबेस रिकवरी मॉड्यूल विल सिलेक्ट वन ऑफ द टू ऑपरेशन, मतलब उसके अंदर भी दो ऑपरेशन यहाँ पे चलते हैं, रिस्टार्ट द ट्रांजेक्शन मतलब फिर से वो स्टार्ट करेगा, या फिर किल द ट्रांजेक्शन मतलब वो किल कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं, अगर आप कभी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो ना तो दो बार वो चेक करता है, पहली बार आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो वापस वो दूसरी बार चेक करेगा, रिस्टार्ट करेगा, ठीक है। रिस्टार्ट होने के बाद दूसरी बार भी अगर फेल हो रहा है ऑटोमेटिकली, जो हमें पता नहीं लगता, दूसरी बार भी अगर वो सिस्टम ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है, ठीक है, तो उस ट्रांजेक्शन वो क्या कर देगा कि किल, यानी आपको फिर से ट्रांजेक्शन वही करना पड़ेगा, मतलब आपके अकाउंट में से किसी भी तरीके का डेटा वो डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपको ट्रांजेक्शन स्टेट यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है, उसी तरीके से आपको सारी की सारी इंटरनली जो भी प्रोसेस हो रही है, तो इस तरीके से सारी ट्रांजेक्शन स्टेट होती है, ठीक है। अब जो भी ट्रांजेक्शन स्टेट हो रही है, जो भी हमारा एल्गोरिदम से, इसके बारे में यहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब जो भी आपका ट्रांजेक्शन आ रहा है, सबसे एक से ज्यादा आ रहा है या एक आ रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे 15-20 ट्रांजेक्शन एक साथ आ रहे हैं, तो उसको मैनेज किस तरह करता है, उसके लिए उन लोगों ने क्या दिया है कि शेड्यूल, ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ से शेड्यूल करना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन को शेड्यूल करने के लिए अलग से हमारे पास एक टॉपिक है, ठीक है, उसको क्या क्या नाम दिया गया है यहाँ पे, उसका नाम है यहाँ पे ट्रांजेक्शन शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि द सीरीज ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम वन ट्रांजेक्शन टू अनदर ट्रांजेक्शन इज नोन एज अ शेड्यूल, मतलब एक ट्रांजेक्शन जब तक खत्म नहीं होगा पूरी तरीके से, तब तक वो दूसरे ट्रांजेक्शन के अंदर मूव नहीं होगा, ठीक है, ये आपको दिखाई गया। मैं सीरीज मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा हमारे पास, तो जिसको पेंडिंग में, पहला ट्रांजेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ तो दूसरा ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, वो शेड्यूल में रखेगा, भाई इसका टाइम है, इसका बाद है, इसका, तो ये सारा मिली सेकेंड के अंदर होता है, ताकि हमें लगता है कि हमारा ट्रांजेक्शन फटाफट हो रहा है, पर थोड़ी वो प्रोसेस लेता है 2 या 3 सेकंड, या मैक्सिमम 5 से 5 से 10 सेकंड वो लेता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन होने के अंदर। फिर क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारा हो रहा है उसको स्टोर करके भी रखता है, भाई किस तरीके से करना है हमारा ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे लिखा है इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन ईच ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, जो भी आपने ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर, या फिर कोई मैन्युअली कर रहा है ट्रांजेक्शन, तो जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको हर एक पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, भाई शेड्यूल है, नॉन शेड्यूल है या सीरियलाइज है, तो तीनों के बारे में हम यहाँ पे डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसका डायग्राम भी मैंने आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि एक शेड्यूल है, उसके अंदर हमें यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल एंड सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ठीक है, ये 3 तरीके के पार्ट हमें यहाँ पे दिखाई गए, तो तीनों को हम डीपली पढ़ेंगे। पहले तो हम शेड्यूल वो पता चल गया, फिर शेड्यूल क्या होता है, तो सीरीज ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम वन ट्रांजेक्शन टू अनदर ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड शेड्यूल, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन का यूज क्या होता है, तो भी जो भी ट्रांजेक्शन या ऑपरेशन हो रहे हैं उसको स्टोर करके रखता है इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के फॉर्म, ठीक है, तो ये इसका मेन यूज है। उसके बाद उसका टाइप्स दिखाई भाई कितने तरीके के शेड्यूल है, 3 तरीके के है, ठीक है। तो पहले हम सीरियल शेड्यूल देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो सीरियल शेड्यूल इज अ टाइप ऑफ अ शेड्यूल वेयर वन ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूट कम्प्लीटली, मतलब जब तक पूरी तरीके से पहला ट्रांजेक्शन खत्म नहीं होता तब तक वो दूसरे ट्रांजेक्शन को एक्टिव नहीं करेगा, मतलब एक्टिव स्टेट के अंदर नहीं डालेगा, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे एक्टिव स्टेट मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर वो ऐड नहीं करेगा, जब तक ये पूरा कमिटेड या फेल या दोनों में से कोई एक नहीं हो जाता तब तक वो दूसरे ट्रांजेक्शन को इसके अंदर ऐड नहीं करता, ठीक है, ये सीरियल शेड्यूल का मेन यूज है, ठीक है। इन द सीरियल शेड्यूल व्हेन
फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट्स इट्स साइकिल, मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन जब तक इसकी पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा देन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड, मतलब उसके बाद ही दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज देर आर टू ट्रांजेक्शन टी वन एंड टी टू विच हैव सम टू ऑपरेशन, उसके पास दो तरीके के यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए गए, ठीक है। तो पहला कौन सा है हमारे पास, तो टी वन और टी टू ने उसका एक्सप्लेन भी यहाँ पे नीचे किया हुआ कि इफ इट हैज टू इट हैज नो इंटरलीविंग ऑफ ऑपरेशन, मतलब एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं ऐसे यहाँ पे ऑपरेशन है। देयर आर फॉलोइंग टू पॉसिबल, फर्स्ट एग्जीक्यूट ऑल द ऑपरेशन ऑफ टी वन विच वॉज फॉलो बाय ऑल ऑपरेशन ऑफ टी टू, मतलब जितने भी टी वन को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी ऑपरेशन है वो सारे किसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं, तो कई ऑपरेशन टी टू के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ कि एग्जीक्यूट ऑल ऑपरेशन ऑफ टी वन विच वॉज फॉलो बाय ऑपरेशन ऑफ टी टू, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है इन दिस गिवन फिगर ऑफ ए शेड्यूल ए शो द सीरियल शेड्यूल वेयर टी वन फॉलो बाई टी टू, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है शेड्यूल वन करके, ये प्रोसेस वन है, मतलब शेड्यूल ए सीरियल शेड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे क्या दिया है कि दो ट्रांजेक्शन दिए हुए टी वन और टी टू, और ये हमारी टाइमिंग दी हुई है, ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा कि कौन से टाइम पे कौन से ट्रांजेक्शन को वो चेक कर रहा है, ठीक है। तो पहले T1 के अंदर हमें क्या मिल रहा है कि रीड ए, मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन फर्स्ट अकाउंट के अंदर से वो अमाउंट चेक करेगा, मतलब रीड करेगा। फिर उसको क्या करेगा, वो अभी हमें डेटाबेस के अंदर किस भी चेंज नहीं किया, वो उसने क्या किया कि डेटाबेस में जो अमाउंट था उसको सिर्फ बफर के अंदर स्टोर करवाया, मतलब रीड किया। फिर उसके बाद बफर के अंदर ही जो भी आपका अमाउंट था उसमें से जो भी आपका अमाउंट डिलीट करना था वो डिलीट हो गया। डिटेक्ट होने के बाद जो भी आपका अमाउंट था वो वापिस बफर के अंदर स्टोर हो गया, अभी डेटाबेस में कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद जिसको भी वो भेजना चाहता है तो उसके अकाउंट में से वापिस वो क्या करेगा कि अमाउंट चेक करेगा, ठीक है, और जो भी अमाउंट यहाँ से हमने भेजा है उसके अकाउंट के अंदर बफर के अंदर स्टोर करेगा और वापिस बफर में ऐड कर देगा, ठीक है। और लास्ट में जब कमिट होगा तो जो भी बफर के अंदर अमाउंट पड़ी होगी वो सोर्स के अमाउंट के अंदर और डेस्टिनेशन के अमाउंट के अंदर वो फुट कर देगा। इस तरीके से ये पूरी ट्रांजेक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, मतलब ये क्या हो गया हमारा सीरियल शेड्यूल। उसके बाद वो टी टू मतलब सेकंड ट्रांजेक्शन को रीड करेगा, अमाउंट एड करेगा और वापस यहाँ पे राइट करेगा। तो ये सीरियल शेड्यूल हो गया फर्स्ट टाइप का, ठीक है। इसके अंदर जब तक फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट नहीं होती तब तक वो दूसरे ट्रांजेक्शन को एड यहाँ से या एक्टिव स्टेट में नहीं डालता, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे पास। अब दूसरा क्या था हमारे पास सीरियल शेड्यूल के बाद, ये हमारे पास था नॉन सीरियल शेड्यूल, ठीक है। तो नॉन सीरियल शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि इफ इंटरलिविंग ऑफ ऑपरेशन, मतलब एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए, मतलब एक दूसरे के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहे, ठीक है, उसको निकालना नहीं है, ठीक है, इज अलाउड देन देयर विल बी नॉन सीरियल, मतलब एक दूसरे सीरियल को वो एक दूसरे ट्रांजेक्शन को छोड़ता नहीं है जब तक ये प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती तब तक यह क्या कहलाता है कि नॉन सीरियल शेड्यूल कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे देखो दूसरी प्रोसेस भी, ओके फर्स्ट नॉन सीरियल में अभी नहीं आ रहे हम, सीरियल में ही आ रहे हैं। तो सीरियल के अंदर यहाँ पे दो प्रोसेस हमें दिए, एक तो फिगर वन वाली और फिगर टू वाली। तो हमारे पास यहाँ पे सीरियल के दो एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया, फिर ये प्रोसेस टू है। तो प्रोसेस टू के अंदर क्या करेगा कि उल्टा है इसका, ट्रांजेक्शन टी को यहाँ पे पहले टाइम मिल गया तो वो जब तक रीड करेगा उसके अंदर अमाउंट एड होगा, उसके बाद वो डेटाबेस के अंदर वापस राइट करेगा, सॉरी। तो दोनों में से क्या हो रहा है कि कोई एक प्रोसेस स्टार्ट हो रही है करंटली। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोसेस वन के अंदर पहले T1 ट्रांजेक्शन पूरा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो दूसरे ट्रांजेक्शन को यहाँ से स्टार्ट नहीं करता, एक्टिव स्टेट में नहीं डालता।
और दूसरे प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि जब तक T2 ट्रांजेक्शन पूरे का पूरा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो पोस्ट ट्रांजेक्शन को यहाँ पे ऐड नहीं करता, ठीक है, मतलब एक्टिव स्टेट के अंदर नहीं डालता। मतलब प्रोसेस सीरियल में, सीरियल शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि ऑलवेज एक टाइम पर एक ही ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी हो, T1, T2, T3, T4 जो भी होगा, पर एक टाइम पे एक ही होगा। यहाँ पे जो टाइम मिल रहा है आपको उसके अंदर ये T2 वाला हो रहा है और यहाँ पे आपका T1 वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। और दूसरी चीज हमारे पास क्या थी कि नॉन सीरियल, जो भी सीरियल नहीं होगा, मतलब कभी भी कुछ भी ट्रांजेक्शन हम करवा सकते हैं, उसे नॉन सीरियल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई पे इट कंटेन्स मेनी पॉसिबल अदर ऑर्डर इन विच द सिस्टम कैन एग्जीक्यूट इंडिविजुअल ऑपरेशन। मतलब इंडिविजुअल मतलब क्या हो गया कि एक एक ऑपरेशन रीड किया है तो रीड ही होगा, उसके बाद दूसरी प्रोसेस होगी थोड़े टाइम के बाद चालू होगी, ठीक है। तो उसे नॉन सीरियल बोला जाता है। तो उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नॉन सीरियल क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, तो पहले ट्रांजेक्शन स्टेट, ट्रांजेक्शन T1 है वो एक्टिव स्टेट के अंदर चला गया, फिर वहां पे उसने रीड किया और डिटेक्ट किया, ठीक है। फिर उस ट्रांजेक्शन को उसने मिली सेकेंड के लिए रोक दिया, उसने डायरेक्टली क्या लिया, दूसरे ट्रांजेक्शन को एक्टिव मोड में डाल दिया, ठीक है, उसमें से उसने रीड किया और वहां पे ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो हमारे T1 ट्रांजेक्शन को वापस टाइम देगा और जो भी यहाँ पे डिडक्ट हुआ है वहां से वो रिज्यूम करेगा, वापस स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जहां से खत्म हुआ है वहीं से वापस, मतलब वापस बफर के अंदर वो डेटा को ऐड करवा देगा, मतलब जो भी डिडक्ट हुआ है उसके बाद का, फिर वापस जहाँ पे उसको भेजना था उसका अमाउंट वो रीड करेगा, फिर वापस उसने रोक दिया उस अमाउंट को, मतलब उस प्रोसेस को, उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे उसने रोक दिया और वापस क्या किया कि T2 के अंदर जो प्रोसेस वापस उसको बफर के अंदर स्टोर करवाना था वो उसने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही ये खत्म हो गया पूरा ट्रांजेक्शन, उसके बाद उसने अपना जो T1 ट्रांजेक्शन था जहाँ से चा बाकी था वहाँ से ये रिज्यूम कर रहा है, और उसके बाद उसके ट्रांजेक्शन के अंदर, उसके अमाउंट के अंदर, डेस्टिनेशन के अंदर ऐड किया और वापस उसको राइट कर दिया। तो ये क्या हो गई कि पूरी की पूरी नॉन सीरियल हो गई, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके के सीरियल फॉर्म में कोई ट्रांजेक्शन नहीं चल रहा है। मतलब थोड़ा टाइम T1 को देगा, थोड़ा टाइम T2 को देगा, थोड़ा टाइम T1 को देगा वापस, तो इस तरीके से मिली सेकंड के अंदर सारा कुछ प्रोसेस हो रही है। तो हमें हमें क्या हो रहा है कि हमारी ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट हो रही है पर उसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, तो उसे नॉन शेड्यूल बोलते हैं। मतलब एक साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपके हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे नॉन शेड्यूल फॉर्म में भी, शेड्यूल के अंदर भी आप डाल सकते हो। तो वो हो गया 1 टाइप ऑफ आपका नॉन शेड्यूल शेड्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सीरियल शेड्यूल है उसको यूज कर सकते हैं अपने एल्गोरिदम्स के अंदर। ये शेड्यूल सी हो गया, ठीक है। तो पहले हमने शेड्यूल ए और शेड्यूल बी पढ़ा था, उसके बाद है कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो सीरियलाइजेबल का मतलब क्या हो गया कि कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ शेड्यूल इज यूज टू फाइंड नॉन सीरियल शेड्यूल, ठीक है। सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ शेड्यूल इज यूज टू फाइंड, मतलब सीरियलाइजेबल शेड्यूल कब करता क्या है कि वो नॉन शेड्यूल शेड्यूल जितने भी है उसको फाइंड करेगा, एट अलाउ द ट्रांजेक्शन टू एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली विदाउट इंटरफेरिंग विथ अनदर। मतलब एक दूसरे के साथ जो नॉन शेड्यूल शेड्यूल है वो एक दूसरे को इंटरफियर, मतलब डिस्टर्ब किए बिना जो भी उसका ट्रांजेक्शन करना था वो कौन करेंगे, मतलब साइड पैरालेली होता रहेगा, पहले का होगा, दूसरे का होगा, तीसरे का, इस तरीके से वो साइड बाय साइड होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 टाइप ऑफ सीरियल। तो सीरियलाइजेबल का मेन काम क्या है कि जो भी आप सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज यूज्ड टू फाइंड, मतलब नॉन सीरियल जितने भी शेड्यूल है उसको फाइंड करेगा, ठीक है, और जो भी शेड्यूल उसके अंदर, जो भी ट्रांजेक्शन उसके अंदर है तो एक दूसरे को ट्रांजेक्शन इंटरफियर नहीं करेंगे, मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उसके ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते भी रहेंगे। तो इस तरीके से सीरियलाइजेबल को शेड्यूल किया जाता है। उसके बाद है कि इट आइडेंटिफाइज, तो पहले चेक कैसे करता है, तो इट आइडेंटिफाइज विच शेड्यूल आर करेक्ट, मतलब जो शेड्यूल करेक्ट होगा, ठीक है, उसको वो एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा उसके दूसरे ऑपरेशन के साथ, मतलब जो भी उसका दूसरा नेक्स्ट ऑपरेशन करना होता है उसके साथ वो इंटरलिंक, मतलब ट्रांजेक्शन जो भी उसका एग्जीक्यूशन है उसको रीड करना चालू कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि दूसरे ऑपरेशन को छोड़ता नहीं है, ठीक है, जिसके बाद का जो भी ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है उसको वो छोड़ेगा नहीं, मतलब वो उसके जहाँ से उसने बंद किया था वहीं से वो
स्टार्ट करे, मतलब उसकी जो लास्ट डेट है वो अपने पास रखता है जब भी उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर इंटरलिविंग, फिर नॉन सीरियल शेड्यूल विल बी सीरियलाइजेबल इफ इट्स रिजल्ट इज इक्वल टू द रिजल्ट, मतलब जब तक सामने वाले के सोर्स में से डिडक्शन नहीं हो जाता और जो भी सोर्स डेस्टिनेशन के अंदर जो भी अमाउंट भेजनी थी वो दोनों सेम नहीं होते, तब तक ये सीरियलाइजेबल एग्जीक्यूशन चलता रहता है, ठीक है। तो नॉन सीरियल शेड्यूल विल बी सीरियलाइजेबल, मतलब नॉन सीरियल शेड्यूल को आप सीरियलाइजेबल भी बोल सकते हो, ठीक है, और सीरियलाइजेबल जो आपका शेड्यूल है उसे नॉन सीरियल भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों वाइस वर्सा है। इफ इट्स रिजल्ट इज इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ इट्स ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड सीरियली, मतलब एक दूसरे के साथ वो पैरेलल, जहाँ तक जहाँ से सोर्स में से कटा है तो डेस्टिनेशन में उतना जो एड होना चाहिए, दोनों चेक करता है लास्ट अमाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, उसकी जो लास्ट प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो T1 T2, मतलब पहले वो क्या करेगा कि सीरियलाइजेबल के अंदर जो भी नॉन सीरियल शेड्यूल है उसको फाइंड करेगा, और वो उसकी जो स्टेट रहती आती आती इसके अंदर क्या रहता है कि भाई उसने पहले पूरा ट्रांजेक्शन इसका कंप्लीट नहीं किया, मतलब उसमें से रीड किया, डिडक्ट किया और राइट कहीं दूसरी थोड़े टाइम के बाद कर रहा है, तो क्या करेगा जो भी यहाँ पे नॉन सीरियल शेड्यूल है उसको फाइंड करेगा, उसको सीरियलाइज करेगा, मतलब एक प्रोसेस के अंदर रखेगा, मतलब रीड करो, डिडक्ट करो, राइट वहीं पर ही करो, उसके बाद ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेगा, उसमें से वो रीड करेगा, अमाउंट एड करेगा और एड कर देगा, वापिस राइट करेगा। अगर ये एक स्टेट खत्म हो गई उसके बाद इसके पास क्या करना है कि जो भी यहाँ से सोर्स के पास डिडक्ट हुआ है वही उसको डेस्टिनेशन के पास ऐड करा है, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए उसके पास, ठीक है। यहाँ से कटा है तो उसके अमाउंट में इतना होना चाहिए और इसके अकाउंट में लास्ट में वो बैकग्राउंड में चेक करता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो भी नॉन सीरियल शेड्यूल है उसको सीरियलाइज करता है, मतलब इस तरीके से कंटिन्यूस करता है। यहाँ जो आधी आधी प्रोसेस हमारे पास रह गई थी, ठीक है, उसको वो क्या करता है, कंप्लीट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है बी शेड्यूल ए एंड शेड्यूल बी आर सीरियल शेड्यूल, सी एंड डी आर नॉन सीरियल, ठीक है। तो नॉन सीरियल कौन से हो गए, सीरियलाइजेबल है उसको भी यहाँ पे नॉन सीरियल शेड्यूल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों दो पार्ट के अंदर कंप्लीटली डिवाइडेड है, सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल। तो यहाँ पे कभी भी किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन आपको बताया जाए तो आपको सिर्फ तीन पार्टी उसके बताने हैं, तो भाई उसके स्टेट कौन से है और इसके शेड्यूल किस किस फॉर्म में रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी DBMS के अंदर ये क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। कितने शेड्यूल है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल किसे कहा जाता है, ठीक है, नॉन शेड्यूल किसे कहा जाता है, उसकी ट्रांजेक्शन स्टेट ड्रॉ करो, तो ये स्टेट आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी डेटाबेस के अंदर ये चीज होती ही होती है, ठीक है। तो ये हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर ट्रांजेक्शन के बारे में और उसके नेक्स्ट संडे को हमने जो पढ़ा था, ठीक है, और आज हम जो पढ़े वो तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो पहले से आपको वहां से स्टार्ट करना है तो वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर पूरा शेड्यूल देखो आप, ठीक है। तो आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आ जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ पूरे का पूरा यह कनेक्टेड है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पूरी जो प्रोसेस है ट्रांजेक्शन की उसके बारे में पढ़ा, ठीक है, किस तरीके से हो। तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो लेक्चर के रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपकी जो RNWIT की एप्लीकेशन है वहां पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, थैंक यू।